वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरी फ्रेंड ईष्ठा और ये है पीछे हमारा कॉलेज एसडी कॉलेज और हम भी ऑनर्स की क्लास लगा के आ रही है अपनी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, 5 से 6 जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा नींद आती है। हम दोनों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है और ईष्ठा क्लास में सोती रहती है क्योंकि मुझे बहुत नींद और मैं खुले आंखों से सपने देखती हूं। पूरी कोशिश करती हूं मैं मेरी आंखें ऐसी रहे, मेरे ऐसे ऐसे होती रहती है फिर मैं और खोल देती हूँ। एक्चुअली हमारी जो ऑनर्स की क्लास है ना वो 5 से 6 लगती है, तो इस वजह से क्या होता है हम दिन भर अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि 5 या 6 बज रहे हैं पर यहाँ एक्चुअली 6 बज रहे हैं और हम बहुत थक जाते हैं दिन भर, तो हम बहुत थक जाते हैं ऑनर्स की क्लास के लिए। ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल, ये है पहले वाला ब्लॉक और वो है सेकेंड वाली बिल्डिंग। इसमें ये थोड़ा वैसे नहीं दिख रहा जैसे एक्चुअल में है, मतलब यहाँ से दूसरी न्यू वाली बिल्डिंग है, ये वाली पुराने वाली बिल्डिंग है जो आगे को बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा भी है हमारा हॉस्टल, नो डाउट लाइक बेस्ट हॉस्टल इन चंडीगढ़। शक्ल मत दिखाई, में बहुत बिंदी आती है इसमें, लगी नहीं थी। माय टर्न, मेरा चम्मच गिर गया। अंकल एक चम्मच दे दोगे प्लीज? तब बोल रही थी जब सिर्फ इतने चाय वाले। आज गए थे हम सनातन धर्म के मंदिर और सैटरडे के बाद मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। हम गए थे मंदिर क्योंकि वंशिका का था आज फास्ट, मतलब वंशिका के हर सावन के सोमवार, सावन का सोमवार ना वंशिका, हाँ उस दिन व्रत होता है, तो आई गेस 8 में से 4 व्रत हो गए इसके। और फिर हम वापसी आ रहे थे तो वंशिका ने अपना व्रत तोड़ना था, व्रत तोड़ने के लिए वंशिका ने खाना था फास्ट फूड, तो हम फास्ट फूड लेके आए मार्केट से क्योंकि मंदिर के बाद हम डायरेक्ट 32 की मार्केट होते हुए आए और लोग आ रहे, तो मुझे शर्म आ रही है, बाद में बोलती हूँ। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल और हमारे गेट बंद होने में रह गए हैं हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर हमें जाना होगा और वैसे भी हमारा हॉस्टल बिल्कुल कॉलेज मेन मार्केट में पड़ता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में पहुँच जाता है। उसके बाद होगी हमारी अटेंडेंस, तो आजकल जैसे हमारे मेस में थोड़ा काम चला है तो अभी तक हमारी अटेंडेंस ऐसे होती थी कि हम मैम ने डिवाइड करी थी लड़कियाँ, कुछ ओल्ड हॉस्टल की लेती है कुछ न्यू हॉस्टल की, तो मैं न्यू हॉस्टल वाली ग्रुप में थी जो न्यू हॉस्टल के अटेंडेंस लेती है। बट आज से शायद एक प्रोबेबिलिटी है कि आज से मेस में ही अटेंडेंस हो, लाइक फिजिकल अटेंडेंस होती है एवरी डे 7:30, सारे बच्चे मेस में आते हैं फिर उनकी अटेंडेंस लगती है क्योंकि 7 o'clock हमारे गेट्स बंद हो जाते हैं। बट अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी अटेंडेंस रूम्स में ही हो रही थी, तो आज देखते आज क्या होता है, चांसेस है कि आज भी रूम में हो, कल से मेस में हो या फिर आज से ही मेस में हो जाए क्योंकि वो काम पूरा हो गया है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। और आज मेरा दिन भी कॉलेज में बहुत अच्छा गया और बहुत कुछ है, मैं सोच में बोल ही देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था कि मैं किस चीज़ में बिजी हूँ, हॉस्टल पहुँच के देखती हूँ अगर बताओगी तो। ये है मेरी फ्रेंड कशिश रमदेक और ये तो वंशिका, इसको तो आप जानती हो। ये जो कशिश रमदेक है हम दोनों स्कूल में साथ होते थे सेक्रेड हार्ट में और यहाँ पर भी मेरे साथ आ गई है, यहाँ पर भी ये मेरे साथ आ गई है। यस, इसके पीछे 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 अब हम एंट्रीज बंद करते हैं और हम हॉस्टल पहुँच गए हैं टाइम से 5 मिनट पहले। पहुँच गए हैं घर, आई मीन हॉस्टल, और हमारे लिए तो घर ही है क्योंकि ऑब्वियसली
यहाँ पे हम 24/7 रहते तो हमारे लिए तो इट्स लाइक घर नाउ। और जब भी मुझे ऐसे कॉलेज से कॉल भी आता है ईष्ठा का या वंशे का कि कहाँ पे हो, घर में हो, यदि घर से आ रही हूँ, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि घर ही है यार, हॉस्टल में दूसरा साल हो गया है। और हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, नो डाउट। आज कल जब हम वापस आ रहे थे उसके बाद मैंने शूट नहीं करा क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो उसके बाद बस मैंने कपड़े धो लिए थे, उस खाने को डाल दिए थे। अब अभी एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई तो सारे कपड़े बाहर अंदर ले आई फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मैंने मेहनत करी थी इनको धोने में, मेहनत तो क्या करी थी बट स्टिल सुखाने में जो मेहनत करी थी फिर से बर्बाद ना हो बारिश की वजह से, मैं फटाफट से अंदर ले आई और कपड़े भी थैंकफुली सूख गए थे सारे। कल जब हम शाम को वापस आए थे मंदिर से तो रास्ते में कैंडल मार्च हो रही थी और हमारे कॉलेज के बाहर पुलिस वाले भी खड़े थे और मीडिया वाले भी खड़े थे। और पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ है कॉलेज में तभी ये लोग आए हैं, बट बाद में मुझे पता चला जब मैंने वार्ड मैम को बोला कि मैम बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैम ने फिर वो क्लियर करा कि ये 2021 में सोई का एक मेंबर था जो जिनकी डेथ हुई थी, तो उनके लिए हर साल 2021 से यहाँ पे कैंडल मार्च करते हैं जो सोई वाले हैं। सोई है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, कॉरिडोर में शोर करिए लड़कियाँ बारिश की खुशी में। और मैं क्या काम कर रही थी इतने टाइम से वो मुझे बोल देती, वैसे तो ये भी और चलेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होते। इस बार इलेक्शन में जो उठ रहा है हिमसू से वो है मेरा दोस्त, तो उसके सपोर्ट में हम लोग आए हैं। और मुझे एक सेकंड कॉल आ गया इंस्टाग्राम, मैं उसको आंसर करती हूँ तब कंटिन्यू करती हूँ। इनका कॉल इसीलिए आया था, लाइक वंशिका ईष्ठा और कशिश गए थे आज मंदिर और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, ये लोग मंदिर में ही फंस गए हैं और टाइम हो रहा है अराउंड अच्छा इधर से होता है सॉरी 6:29, 6:30 गेट बंद होने में रह गया है सिर्फ आधा घंटा, और ये लोग बस जैसी बारिश हो गई फटाफट आ जाएगा। आज मैं मंदिर नहीं गई क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लाइक मुझे बहुत डिजी सा फील हो रहा था, लाइक पिछले 2-3 दिन से मुझे मेरी तबीयत ख़राब सी है, तो मैं सोचा कि चलो रेस्ट करती हूँ। आज मैं कॉलेज भी नहीं गई थी, मैं गई थी पर दिन के टाइम में गई थी 1 बजे के बाद, 2 बजे मैं 2 बजे गई थी आज कॉलेज, उससे पहले तक मैंने रेस्ट किया क्योंकि मुझे थकावट हो रही थी, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे गर्मी हो रही है पर खाना भी मैं प्रॉपर खा रही हूँ, क्या हो रहा है, चलो बारिश कम हो गई है। हाँ तो इस बार जो हिमसू से है, लाइक अभी पोस्ट आउट नहीं हुई है बट स्टिल वी आर होपिंग कि मेरा जो फ्रेंड है उसको सीट मिले, और अगर उसको सीट मिलती है तो हम मतलब उसको मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी, इसलिए हम हिमसू को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वंशिका ईष्ठा हम सारे हिमसू के सपोर्ट में हैं। और इस बार हिमसू है स्टूडेंट हिमाचल स्टूडेंट्स यूनियन, और इस बार हिमसू की अलाइंस है SDCU के साथ, जो SDCU है वो हमारे कॉलेज की ही पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टीज़ है ABVP NSUI और भी थी एक सोई, हाँ ये बाकी इसके अलावा भी एक और भी है CYSS बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इसके बारे में पता है सोई NSUI ABVP एंड ऑब्वियसली SDCU एंड हिमसू। पिछली बार आई वॉज़ न्यूट्रल क्योंकि मैं ऑब्वियसली फ्रेशर थी तो मुझे नहीं पता था तो कि कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने बहुत ही रैशनली अपने वोट्स डाले थे दोनों पार्टीज़ को। इस बार मैं बिल्कुल ओपनली आ गई हूँ, लाइक मैं नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स हम सारे ओपनली आ गए हैं हिमसू के सपोर्ट में, और ऑब्वियसली अगर हिमसू SDCU के साथ अलाइंस में है तो हम उसके अंडर भी आते हैं, तो हम जो हिमसू की वर्किंग टीम है उसके एक्टिव मेम्बर्स हैं मैं वंशिका ईष्ठा। तो इस काम में हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दिन भर क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार चारों सीट्स पैनल में हमारी आए, दो लास्ट ईयर भी आई गेस SDCU की 2 सीट्स आई थी पैनल में, बट दिस टाइम वी वांट कि चारों की चारों सीट्स हमारी आए पैनल में और हम जीत जाए बहुत ही अच्छे मार्जिन से। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी गर्मी में बाहर रहो और यू नो, सबको एक एक इंसान को जाके अप्रोच करो, उनको पर्सुएट करने की कोशिश करो, जो फ्रेशर्स है उनको मैनिपुलेट करना इज स्टिल यू नो वेरी इजी, लाइक मैनिपुलेट भी नहीं करना, लाइक फ्रेशर्स को सारी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है सारी इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, बट जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उनको लाइक उन्होंने सब कुछ देखा है कि क्या क्या था जब दूसरी पार्टी जब थी पावर में, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लाइक ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट जो भी था लास्ट ईयर का जो टेन्योर था वो भी अच्छा था, इस बार का जो टेन्योर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए अगर हमें आती है, अगर सीट्स हमें मिलती है, तो बस हम उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इसलिए टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, लाइक कुछ एक्स्ट्रा करने का,
उसी के साथ साथ मैंने और वंशिका ने एक और चीज़ सोची है कि हम दोनों डांसिंग फिर से स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि हम पिछले कल से स्टार्ट करेंगे, पर पिछले कल नहीं हो पाया क्योंकि हम आए भी लेट थे। लेट तो क्या, मतलब हम 6:55 पे हम पहुंच गए थे अंदर हॉस्टल में। उसके बाद फिर अटेंडेंस कल मिस में नहीं हुई, हमें पूरा मतलब यू नो रूम टू रूम जाके अटेंडेंस लेनी पड़ी। तो हम न्यू वाले हॉस्टल के लिए थी हमने, तो न्यू वाले हॉस्टल में 4 फ्लोर्स है, तो चारों में हर एक कमरे में जा जाके इंटरेस्टिंग था, मज़ा आता है अटेंडेंस लिए। उसके बाद फिर हमारे साथ कल एक और चीज़ हो गई थी, वो ये थी कि हमारा रूम कल ईष्ठा मंदिर नहीं आई थी, मैं वंशिका और कशिश ही गए थे। तो जाते हुए हमने ईष्ठा को बोला था कि ईष्ठा हमारे पास कीज़ नहीं है, तो जब तू नीचे आएगी ऑफिस तो रूम लॉक करेगी तो अपनी की लेकर आई हो। पर उस टाइम नींद में थी तो उसको ढंग से नहीं सुनाई दिया और वो आ गई, उसने रूम लॉक कर दिया और हम तीनों की कीज़ रूम में ही थी और रूम लॉक हो गया था। प्लस हमारी जो बालकनी है उसका डोर भी बंद था। और जब मैं अटेंडेंस लेके आई तो फिर वंशिका बोल रही थी कि यार रोशन अब तो हम क्या करेंगे यार, हम तो बाहर ही रह गए आज कमरे से, अब तो ताला तोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं, ताला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ट्रिक पता है, जो हेयर क्लिप होती है हम उससे खोल सकते हैं लॉक को। और फिर वंशिका ने ट्राई करा और उस टाइम पर मैं नीचे ऑफिस में थी। उसके बाद वंशिका से नहीं हुआ, फिर ईष्ठा आई, फिर ईष्ठा ने फिर से ट्राई करा, फिर उसके बाद खुल गया था। मैं कि भाई मुझे पता है, क्योंकि स्कूल में हमारे पास क्या होता था, जो हमारे डेस्क थे उसमें लॉक्स लगाते थे हम जब हम 7th 8th में थे, क्योंकि हमारी बुक्स उसमें होती थी तो हम उसको लॉक करते थे ताकि कोई भी हमारी चीज़ मिसप्लेस ना हो। और तब मैंने कई बार अपनी ऐसे कीज़ में भूल जाती थी घर पे, उसके बाद फिर मैं उसको अपनी जो हेयर क्लिप है उससे खोलती थी, इसलिए मुझे याद था। तो मुझे पता था कि नहीं, ऐसे कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है, खुल ही जाएगा वैसे भी। और जो लॉक है वो कीज़ मतलब ऐसा है कि अगर उस लॉक ऐसे प्रेस करते हैं वो लॉक हो जाता है, उसको लॉक करने के लिए की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो आसानी से लॉक हो जाता है। और कीज़ हमारे पास थी नहीं। तो बस हाँ, इतना ही था जो मुझे बोलना था, और आई गेस मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, 5 मिनट 20 सेकेंड का। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरा ब्लॉग तो थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे सबने इतना लंबा देखना तो है नहीं, एक 30 सेकेंड्स हार्डली इतना ही देखेंगे। चलो कोई बात नहीं। सो दैट वॉज इट फॉर माई टुडेज ब्लॉग गाइस, होप यू ऑल रियली एंजॉयड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।